ये वीडियो है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक युवक ने मुक्का जड़ दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वे बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। तभी अचानक ये युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ता है और नीतीश कुमार को पीछे से वार करता है। घटना के बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। युवक का नाम शंकर कुमार उर्फ छोटू है, जो कि बख्तियारपुर के अबू मोहम्मदपुर मोहल्ले का रहने वाला है। युवक को मानसिक रूप से बीमार भी बताया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर हाथ लगाने वाले को अब जेडीयू के एक नेता ने तालिबानी सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार पर हुए हमले से पार्टी आक्रोश में है और इस आक्रोश में सीतामढ़ी के एक शख्स ने हमलावर के हाथ तोड़ने वाले को 1,11,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा कर दी है। आप भी सुने। बख्तियारपुर में एक अनजान युवक के द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे जो कायराना हमला हुआ है, उसका मैं कड़ा निंदा व विरोध करता हूँ। और सभी युवाओं से मैं चंदन सिंह सम्राट सीतामढ़ी से अपील करता हूँ, पुलिस गिरफ्त से आने के बाद इस युवा पे कड़ी नजर बनाए रखे और पूरे बिहार में जो भी क्रांतिकारी युवा साथी है, जो इनका पहला हाथ तोड़ेंगे, मैं उन्हें 1,11,000 रुपया नगद पुरस्कार दूंगा। इनाम का ऐलान करने वाला शख्स का नाम चंदन सिंह सम्राट है। वो खुद को जदयू की युवा नेता बता रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ऐलान किया है कि नीतीश को हाथ लगाने वाले के हाथ तोड़ने वाले को 1,11,000 का नकद इनाम देंगे। अब देखना ये होगा कि इस वायरल वीडियो पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि ऐलान किया गया है कि कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे।